बात करते हैं कि रिटायरमेंट प्लान में क्या क्या चाहिए होगा, क्योंकि अब हमने खतरे जान लिए, पैसे कितना जमा करना है जान लिया, लेकिन अब उसको जमा कैसे करना है। धीरेन, पेंशन, इंश्योरेंस वगैरह वगैरह के बारे में आपसे पूछना चाहता हूं मैं। पेंशन के बारे में एक सलाह आपकी टीम ने जो दी है, हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये एनपीएस पेंशन प्लान में कितना पैसा डालें, क्या करें वगैरह वगैरह। ये सबसे सिंपलेस्ट प्लान है, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो नेशनल पेंशन सिस्टम का पेंशन प्लान है। ये भारत में हर जगह उपलब्ध है, बैंकों के जरिए उपलब्ध है, और ये सबसे कम खर्चीला ये प्लान है। इसमें पैसा लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप जो बचा सकते हैं वो लगाइए। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें खर्चा सबसे कम है, अधिकतम पैसा इसमें 75% इक्विटी में लग सकता है जी। एक इसका दूसरा फ़ायदा जो कि लोग बोलते हैं कि फ़ायदा नहीं है, पर मुझे लगता है एक बड़ा खास फ़ायदा है कि इसमें पैसा लगाने के बाद आप आसानी से निकाल नहीं सकते जब तक कि आपकी रिटायरमेंट की उम्र नहीं हो जाती। तो ये एक तरह से इन्फोर्स्ड डिसिप्लिन है। एनपीएस तो समझ में आ गया धीरेन्द्र की सलाह है। म्यूचुअल फंड में निवेश करना है धीरेन्द्र, या स्टॉक्स में निवेश करना है, और कितना करना है? सेम रूल अप्लाई करता है। मुझे लगता है कि 80-85% शुरुआत में लोगों का इक्विटी में लगना चाहिए, जब आपके पास 15-20 साल 25 साल हो। और जैसे जैसे आप रिटायरमेंट के कगार पे आए, रिटायरमेंट से 4-5 साल पहले, तो आपका पैसा फिक्स्ड इनकम में ज़्यादा बढ़ना में मूव करना चाहिए। अच्छा। उसका कारण यह है कि आप आखिरी दिन तक बाजार पर निर्भर नहीं कर सकते अपनी रिटायरमेंट, अपने पेंशन के लिए। तो ये हुआ इंटेलिजेंट यूज़, स्टॉक मार्केट को कैसे इंटेलिजेंटली यूज़ करना है आपको और कब निकलना है ताकि आप रिटायरमेंट की तरफ सेफ होने लगें। लेकिन धीरेन, इंश्योरेंस भी तो कराना है। जी हाँ, इंश्योरेंस का सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए कि इंश्योरेंस आपको क्यों कराना है। लाइफ इंश्योरेंस आपको तब कराना चाहिए जब शुरुआत में आपके डिपेंडेंट्स हैं और आपकी पूंजी अभी तक कुछ भी इकट्ठा नहीं हुई है, आप अपने अपना निवेश शुरू किया है, और अगर आप कल नहीं रहे तो कितने पैसे की जरूरत होगी। तो उसका चूंकि आपने एस्टिमेट कर लिया है जी, कि आपको कितने पैसे की जरूरत होगी, उस रकम का आपको लाइफ इंश्योरेंस खरीदना चाहिए। अच्छा। और ये एक सिंपल सा लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, टर्म लाइफ इंश्योरेंस। ओके। जो कि अगर आप कल नहीं रहे तो आपके परिवार में इतना पैसा होगा जो कि उनको इनकम सपोर्ट दे पाएगा आपके नहीं रहने के बावजूद। शहर अंग्रेजी लगे हैं। वो बहुत दूर है। आपको पता होगा हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम। बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया।
क्यूरियोसिटी। ABP News आपको रखे आगे।